प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरु अमरदास जी को, तीसरे गुरु नानक को, तीन वचन दिए हैं। कहने लगे इन तीन वचनों की पालना कर लेना, जब सेवा में लगे तब। तीन वचन दिए, इन तीन वचनों को गांठ बांध ले, प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये शिक्षा है हमारे लिए, तीन वचन। पहला वचन, अकेले कहीं मत जाना। दूसरा वचन, पलंग झाड़कर मत सोना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। दास हिंदी में बोल रहा है, पंजाबी में वचन है कि मंजा चाड़ के नहीं सोना, पलंग को झाड़ कर नहीं सोना। और तीसरा वचन, हमेशा भूखे रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तीन जुगतियां हैं, जुगतियां। आज दास केवल जुगतियां बता रहा है जिससे अवस्थाएं प्राप्त हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुगति का भाव पता क्या होता है? आइडिया। एक लोहे का टुकड़ा लो, आसमान पर फेंको, ऊपर धरती पर गिर जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज़ हवा में ठहर नहीं सकती। पर एक टनों का लोहे का हवाई जहाज उड़ता है, ये जुगति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुगति में मुक्ति है, जुगति। घर में बैठ के कोई नाम जपता है, एक पाठ सुखमणि साहब जी का करेगा, एक का फल मिलेगा। घर में बैठकर कोई मूल मंत्र का पाठ करता है, जितनी बार करेगा उतना फल मिलेगा। पर संगत में यह जुगति है। यहाँ पर 10,000 लोग बैठे हैं, एक बार मूल मंत्र किया हमने, एक एक की झोली में 10,000 बार मूल मंत्र का फल मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह जुगति है। संगत की बढ़ियाई क्यों है? संगत में पुण्य सेकंडों में बढ़ते हैं। जो अब अंदाजा लगाओ ना, 10,000 सुखमणि साहब जी का पाठ कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। पर संगत में अगर एक पाठ सुखमणि साहब जी का हो जाए, एक एक की झोली में 10,000 सुखमणि साहब जी के पाठ का फल, पुण्य घंटों में बढ़ते हैं, जन्मों के पुण्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। यह जुगति है। और यही चीज अगर अमृत वेले हो जाए, अंदाजा लगाओ इसका, क्योंकि जन्म साखी में गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं कि दिन के समय 10,000 बार वाहिगुरु कर लो। दिन के समय 10,000 बार वाहिगुरु कर लो, अमृत वेले एक बार कर लो, एक बराबर है। फल समझो अमृत वेले का। ये तो एक्चुअली में ना हाथ में सरों जमा कर देखने वाली बात है। सरों का तेल होता है ना, वो फ्रिज में भी नहीं जमता, पता होगा सबको। पर ये चमत्कार ही है ना कि हाथ की गर्मी में भी वो जम जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव, अमृत वेले उठ के अपने आंखों से चमत्कार देख लो। मैं तो हजारों देख चुका हूँ अपनी आंखों से। गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहा है, आपकी संगत में कई बैठे होंगे, अगर माइक दे दिया तो 2 घंटे उसमें लग जाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ अमृत वेले उठने के बाद। 40-40 सालों से जो केस कोर्ट में लटके हुए थे, 4 दिन अमृत वेले उठने के बाद फैसला हक में हो गया साथ संगत से। 4 दिन अमृत वेला संभालने के क्या हो जाता है? पुण्य जन्मों के पुण्य दिनों में बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई करके देख ले। पहला वचन, अकेले कहीं नहीं जाना, ये सबसे मेन वचन है सत्संग का जी, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये नहीं है, गुरु अंगद देव जी ने ये नहीं कहा कि 10-10 लोग साथ में लेके जाना, नहीं। कहने लगे सिमरन को साथ में रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु शब्द को साथ में रखना, तू अकेला नहीं होगा, गुरु नानक साथ में होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुगति है। गाड़ी चला रहे हो, अपने बच्चों को देखिए, कितने माता पिता टेंशन लेते हैं कि बच्चे स्कूल गए हैं, कितने माता पिता टेंशन लेते हैं कि बच्चे कहाँ गए, टेंशन में बैठे रहते हैं उनके सिक्योरिटी को लेकर। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। अपने बच्चे को चौपाई साहब जी का पाठ याद करा दो। पर हमारी एक्चुअली में क्या है ना, हमें जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं लगती, हम कराते नहीं। किसी माता को कहो ना, आपका बच्चा जपजी साहब जी की बाणी नहीं याद,
चौपाई साहब जी नहीं आते, ये करता नहीं, अरे वो तो स्कूल में भी नहीं जाता था। तब आप डांट कर प्यार से लालच देकर कैसे भी करके स्कूल भेजते हो, इतनी किताबें याद हो गई, पर जपजी साहब जी की बाणी याद नहीं। वो बच्चों का कसूर नहीं, ये माताओं का कसूर है, ये बाणी कहती है। हमें जो चीज जरूरी लगी हमने वो करवा दी, हमें ये जरूरी नहीं लगा हमने नहीं कराई। अगर बच्चे चौपाई साहब जी का पाठ खुद करें, गुरु अंग संग है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की ताकत को समझो। अगर नाम साथ में है, गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन गुरु अमरदास जी को, तू अकेला नहीं है, गुरु नानक तेरे साथ है, ये अरदास में कहते हैं ना हम साथ संगत जी के, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका भाव पता क्या है कि खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे तीन बार कहा है, चार बार नहीं कहा, पांच बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा, दस बार नहीं कहा, तीन बार ही क्यों कहा है, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चितावे, चितावन का सदका। ध्यान से समझना इस बात को। अभी यहां पर हम बैठकर दो घंटे वाहेगुरु करें, कीर्तन करें, पर हम में से कोई बैठा हो जिसका ध्यान हो कि किसका मोबाइल उठाना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। या बाहर जाकर किसी की चप्पल चोरी करके लेके जानी है, या दुकान पर जाकर फिर से वो ठगिया ही करे जैसे वो करता है, कम तोले हेरा फेरिया करे, तो क्या जपा उसने वाहेगुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना। खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेतावे, कहने का भाव, हे वाहेगुरु जो नाम तूने जपाया है अपने चरणों में बिठाकर, वो हमारे हृदय में हमारे वचनों में हमारे मन में बस जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मान बच क्रम प्रभु अपना त्याई, नानक दास तेरी शरणाए। मन में बस जाए वाहेगुरु, मन में बुरा ख्याल आने लगे मन डर जाए, गुरु नानक देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था है जो मांगी है खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेतावे। इसका अगर मैं आज की दुनिया में भाव समझाऊं, ये वो मांगा गया, पाचा मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगा दे, प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इंसान को पता हो ना सामने कैमरा लगा है तो बड़ा चौकन्ना होकर बैठता है कि मुझे कोई देख रहा है, प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चे को पता हो पिता देख रहा है, बच्चा कोई गलत हरकत नहीं करता। हम पाप करते ही तब है जब हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, पर जिसे ये अवस्था मिल जाए ना खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेतावे, उसके मन में बस गया वाहेगुरु, उसके वचनों में बस गया, वो बुरा बोलने लगे किसी को चुप कर जाए कि गुरु नानक सुन लेगा, ये भावना बन जाए, मान वचन अब कर्म में भी आ गया, गलत करने लगे हाथ रुक जाए, नहीं गुरु नानक देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है खालसा जी को वाहेगुरु 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 चेतावे। अगर ये अवस्था मिल गई हमें ये भय हो जाएगा कि गुरु नानक हमें देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और जीवन में से पाप खत्म, एक तो गुरु नानक हमेशा साथ में और वो हमें देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के नाम को साथ में रखना, गुरु अंगद देव जी ने कहा तू अकेला नहीं है, गुरु नानक तेरे साथ है। पलंग झाड़ कर नहीं सोना, इसका मतलब ये नहीं गलत गंदे बिस्तर पर सो जाना है, नहीं, बिस्तर के पास जाना ही तब है जब शरीर में इतनी ताकत भी ना हो कि चादर झाड़ सके, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका भाव समझना सत्संग जी, ये जुगती है, अगर ऊपर की अवस्था चाहिए तो इसे समझो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हम 8-8 घंटे, आजकल के डॉक्टर कहते 7 घंटे नींद जरूरी है, 8 घंटे जरूरी है। मैं वही बात बार बार कहता हूं, एक तरफ उस डॉक्टर को रख लो, एक तरफ गुरु नानक को रख लो, कौन बड़ा है किसकी माने। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है हाली, जो हल चलाते हैं खेतों में, सबसे ज्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा उनकी नींद 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा सोए तो आलसी उस हाली की। हम गृहस्थी, हमारे जैसे गृहस्थों की नींद 4 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी। और कोई संत कहलवाता हो अपने आप को, उसकी नींद 2 घंटे, उससे ज्यादा सोए तो आलसी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम तो अगर अपने आप को अगर झांके तो महा आलसी है, महा आलसी। और यह सच है, जो अमृत वेला संभालते हैं उनसे पूछ कर देखो, 2-3 घंटे में ही नींद ऐसे पूरी हो जाती है ऐसे लगता है 12 घंटे सो लिया है,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या वचन दिए कि पलंग झाड़ कर नहीं सोना, कहने का भाव आलस करके नहीं लेटे रहना, पलंग के पास जाना ही तब है जब शरीर अतका थक चुका हो, मेहनत करो आराम कम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हमेशा भूखे रहना कि जितनी भूख है उससे कम खाओ, भूख लगी रहे दिमाग चुस्त रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जुगतियां है छोटी छोटी बातें पर बहुत बड़ी हैं, सुनने में छोटी लगती हैं पर बहुत बड़ी हैं, जो इसे अपना लेगा कुछ ना कुछ पा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।